प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सके, न ही वह रात में मरे, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे न मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली कि उनका बेटा प्रहलाद किसी विष्णु नाम के देवता की बहुत पूजा करता है, तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वह विष्णु की पूजा करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने नहीं माना, क्योंकि उसके तो तन, मन और रोम रोम में विष्णु जी बसे थे। इस बात से आहत होकर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को सबक सिखाना चाहते थे। जब सारी कोशिशों के बाद भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोक और उसे बदल नहीं पाए, तो उन्होंने उसे मार देने की सोची। फिर उन्होंने एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ था। उस वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद की जगह होलिका ही जल गई। इस तरह हिरण्यकश्यप और होलिका के गलत इरादे पूरे नहीं हो पाए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, और यह धार्मिक संदेश भी मिलता है कि प्रहलाद धर्म के पक्ष में था और हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका अधर्म नीति से कार्य कर रहे थे। अतः देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वालों का अंत हुआ। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रहलाद प्रेम, स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा का प्रतीक है, तो हिरण्यकश्यप और होलिका ईर्ष्या, द्वेष, विकार और अधर्म के प्रतीक है।